मैं राजनाथ सिंह सोनीपत का रहने वाला हूँ। मेरा पिछले साल अगस्त में 26 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे पैरों में काफ़ी चोटें लगी थी और जिसका हमने वहाँ इलाज कराया, जिसका हमारा इलाज ठीक नहीं हो सका। तो उसके बाद हम मणिपाल हॉस्पिटल में आए और मेरे को सांस की और अन्य कई बीमारी हो चुकी थी, और जिसका हमें डॉक्टर रुस्तोगी साहब ने तथा इनके अन्य स्टाफ ने हमारा कोऑपरेट करके बहुत अच्छे तरीके से ठीक इलाज किया, जिससे मैं इन 6-7 महीने तो बेड में ही पड़ा रहा। उसके बाद मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब के सहयोग से, और मैं इस टाइम उठ सकता हूँ, चल फिर वॉकर से की सहायता से चल सकता हूँ। मेरा इलाज करने में उनका स्टाफ का बहुत सहयोग रहा है, और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जागृत हुड्डा है। मेरे फादर का नी कार एक्सीडेंट हो गया था अगस्त में, उसके बाद पानीपत में उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन वहाँ पर उनको फैट एम्बोलिज्म हो गया, जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे चले गए। फिर हम उन्हें यहाँ पे लेके आए, इट वॉज वो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी। वो एक महीने यहाँ पे आईसीयू में रहे, और लाइक उनका सर्वाइवल वॉज प्रीटी टफ, बट द सपोर्ट विच वी गॉट फ्रॉम डॉक्टर इन आईसीयू फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम डॉक्टर श्रीनिवास वॉज वेरी मच हेल्पफुल। एंड फॉर द न्यू ऑपरेशन डॉक्टर गौरव रस्तोगी, लाइक ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। एंड देन अगेन ही सफर्ड फ्रॉम एमनीजिया, वेयर डॉक्टर दिव्या बंसल एज वेल एज डॉक्टर लोकेश केम इन टू पिक्चर, एंड दे हैव डन द ट्रेमेंडस वर्क। And currently, as of now, in around 7 to 8 months, my father can walk on his own feet. We are very much grateful to Manipal Hospital for and all the support staff for doing the tremendous job. And we are grateful to God as well for their blessings. Without the support from Manipal Hospital, the journey would have been very tough. The doctors and staff are very much supportive. Thanks a lot, Manipal Hospital. Thank you.